नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार का सफाई अभियान, रैली के माध्यम से किया लोगों को जागरूक। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पेड़ों को क्षति पहुंचाने पर होगी सख्त कार्यवाही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, सरकार पर 2 सालों से रिजल्ट नहीं देने का आरोप। प्रिंसिपल पर लगा छात्र से मारपीट का आरोप, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कृष्णपाल गुर्जर ने किया डिस्ट्रीब्यूटरी का शिलान्यास, 6 महीने की अवधि में होगा पूरा काम। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड के दिनेशपुर की, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने इलाके के विभिन्न स्कूलों में जाकर सफाई अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को देखते हुए दिनेशपुर नगर और दिनेशपुर मुख्य बाजार में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही पॉलिथीन और प्लास्टिक का भी विरोध किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से स्वच्छ रहो सुरक्षित रहो का नारा देकर लोगों को जागरूक किया। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक इस सफाई अभियान को चलाया जाएगा। हमारे स्कूल विद्यासागरपुर माध्यमिक विद्यालय के द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़ा में मार्केट में एक रैली निकाली गई, जिसमें हम लोगों को जागरूक किया है कि वो कूड़ा करकट इधर ना फैलाए और अपने आसपास एवं स्वयं को स्वच्छ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, जैसे कि सफाई अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छ भारत सभी, और जिसमें कि हमारे यूनियन साहब का भी जैसे देहरादून में मीटिंग रहा, उसमें कहा है कि स्वच्छ यहाँ की योग है, वहाँ की नगर परिषद और नगर पालिका नगर निगम का सफाई की ओर ध्यान देते हैं। हमें हमारे आसपास को स्वच्छ करने के लिए अनेक प्रयास करना चाहिए। इसमें हमारी आज हमारी स्कूल में से छात्र छात्राएं निकल कर आई हैं और हम लोगों ने स्कूल में रैली निकाली है, जिससे कि हमारे परिवहन स्वच्छ रहे। खबरों में अब बात उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां हाई कोर्ट के आदेशानुसार वन विभाग ने अभियान चलाकर वृक्षों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते हुए उन पर किसी प्रकार के होर्डिंग और क्षति न पहुंचाने की जानकारी दी। इस दौरान लोक संपत्ति यानी वृक्षों पर लगे किसी तरह के कील या होल्डिंग आदि लगाने पर सख्त कार्यवाही की भी बात कही गई। टीआईएल के अनुपालन में होर्डिंग कील वगैरह जो हटा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो भविष्य में इस प्रकार का काम न करें, और यदि भविष्य में इस प्रकार का काम होता है तो संबंधित को नोटिस जारी करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब बात उत्तराखंड की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और छात्राओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 सालों में छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनकी मेहनत पर 2 सालों से मिट्टी फिर रही है, साथ ही रिजल्ट के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड सरकार से मांग है कि जो अभी तक हमारे प्रथम वर्ष के जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है, हमारा द्वितीय वर्ष का भी आधा साल गुजर चुका है लेकिन अभी तक हमारे रिजल्ट नहीं आया है। अगर हमारे रिजल्ट आखिर में आए तो बच्चा क्या करेगा, उसके 2 साल 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। और जो अभी तक 5th सेम के जो पेपर है वो भी शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं आप कर क्या रहे हो। सर पॉलिटिक्स तो नहीं, पर ये देखिए जो छात्र नेता होता है हमारी तरफ से कोई हमारी बात रखने वाला भी होता है कॉलेज में, उस तरह से वो चीज़ गलत है कि हम जैसे ये लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं कि वो हम भी मानते हैं, पर एक हम हमारे छात्रों की आवाज़ उठाने वाला भी हमारे में से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, तो इसके लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। आपकी मांग नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? सर इससे भी बढ़कर कोई रैली जो पिछली बार शिमला में हुई थी उसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो बच्चों का स्टेट वाइड की ये कॉल है जिसके तहत बच्चों ने ये स्ट्राइक यहाँ पे भी ऑब्जर्व की है और उसमें वो डिमांड्स हैं उनकी, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इश्यूज हैं, एक रिजल्ट का इशू है जो समय पे इनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, दूसरा इनका इशू है कि डायरेक्ट इलेक्शन किए जाएं, तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए ये यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट से कॉलेजेस में चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट हों, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष भी नॉमिनेशन से ही डिसाइड किया है कि इलेक्शन इनडायरेक्ट ही होंगे, तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो पहले से काफ़ी समय से कर रहे थे इसके लिए संघर्ष और इसीलिए उन्होंने ये स्ट्राइक दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां 1.5 महीने पहले हुई मौत के दौरान
मृतक की पत्नी और बच्चे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल धीरज नेगी नाम के युवक की विद्युत विभाग में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। हालांकि धीरज नेगी की मौत के मामले को लेकर टेक्निकल इंस्पेक्टर ने मृतक की पत्नी का बयान दर्ज कर लिया है। टेक्निकल इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले की जांच और बयान उच्च अधिकारी को सौंपे जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। उधर मृतक की पत्नी ने नानकमता में पहुंचे राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी न्याय की गुहार लगाई है। किस तारीख को करंट लगने से मौत हुई थी, मैं इतने दिन से भटक रही थी, आज डेढ़ महीने बाद जांच आई, तब मैं आई यहाँ पे। हल्द्वानी से इंस्पेक्टर आए, तब आए, मैंने नानकमता पीएम मुख्यमंत्री आए, उन्हें भी अपनी वो दी थी फाइल। आज इतने दिन से मैं धक्के खाते खाते आज डेढ़ महीनों में ना आज उन्होंने जांच की है। अब मुझे मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको कैसे, उनके भालन पोषण कैसे करूँगी। बयान लेने के बाद डिस्कशन निकलेगा, क्या क्या कामयाब आए हैं, किसकी गलती है। अभी मैं केवल मृतक के परिवार के बयान दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के रुड़की की, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल का छात्र के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की जिम्मेदारी चौधरी राजेंद्र सिंह की है, जिनका छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सरेआम दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक किसी छात्र ने ही इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, और जब वायरल वीडियो को छात्र के परिजनों ने देखा तो उन्होंने कॉलेज के प्रबंधक चौधरी राजेंद्र से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रबंधक चौधरी राजेंद्र पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया है। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रबंधक राजेंद्र चौधरी ने मामले में कुछ भी ना बोलने की हिदायत दे डाली। का नहीं है मामला स्टूडेंट का है ही नहीं, इसको स्टूडेंट का मामला लिया जा रहा है कि स्टूडेंट का मामला है। कोई अभिभावक होगा तो वो भी मेरे ख्याल से अपने बच्चे के लिए ऐसा स्टेप उठा सकता है। विद्यालय में प्रतिबंधित है और विद्यालय में किसी भी प्रकार का दंड प्रतिबंधित है। खबरों में अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर ने शनिवार को गांव बहीन में 21 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली हथिन डिस्ट्रीब्यूटरी का शिलान्यास किया, जिससे करीब 52 गांवों के किसानों को सिंचाई का फायदा होगा, साथ ही ट्यूबवेल तक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस निर्माण कार्य को 6 महीने की अवधि में पूरा कर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 23 पुराने एवं जर्जर पुलों को हेड रेगुलेटरी का पुनर्निर्माण कार्य भी किया जाना है। लोगों को संबोधित करते हुए कृष्णपाल गुज्जर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया है। हथिन डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ साथ करीब 10 नहरों को पक्का करने के लिए बजट को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से उक्त नहरों को भी पक्का किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सरौत, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से ये हथीन क्षेत्र को, खेतों को पानी की सिंचाई के लिए पानी देने वाली हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, उसको आज 21 करोड़ से अधिक की लागत से उसको पक्के करने का काम की शुरुआत हुई है। इससे 30% पानी की बचत होगी। 50 गांवों को इस नहर के पक्के होने से फायदा होगा और 12,644 एकड़ भूमि इससे सिंचित होगी, और ये 146 साल के बाद 1873 में इस नहर का निर्माण हुआ था और अब 146 साल के बाद इस नहर को पक्का करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। इस इलाके को बहुत फायदा होगा और इस हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी पर जितने भी पुल हैं उन सबको नया बनाया जाएगा, और अभी 10 और नहरें हैं इस डिस्ट्रीब्यूटरी में, उनके लिए भी केस बनाकर भेजा गया है। आने वाले समय में, नज़दीक समय में, जल्दी से ही 40-50 करोड़ की लागत से उन 10 नहरों को भी पक्का किया जाएगा। खबरों में अब बात करेंगे हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, जहां महेंद्रगढ़ की बेटी गरिमा शर्मा ने बेंगलुरु के इसरो केंद्र पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान 2 का लाइव लैंडिंग प्रोग्राम देखा। इस दौरान गरिमा ने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री के जवाब से गरिमा काफी उत्साहित हुई। गरिमा ने बोला कि हमें प्रधानमंत्री पर गर्व है, जिन्होंने इसरो वैज्ञानिकों की कोशिशों की सराहना करते हुए हमेशा प्रयास और अग्रसर रहने को कहा।
इस बीच प्रधानमंत्री वहां उपस्थित बच्चों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और कहा कि हमेशा अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसको प्राप्त करना चाहिए। हम गेस्ट हाउस से रात को 9 बजे इसरो ट्रैकिंग सेंटर गए थे बस में। वहां पे हमें मिशन ट्रैकिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में ले जाया गया। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थी जिसके अंदर चंद्रयान 2 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो थी, और चंद्रयान 2 से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से चंद्रयान 2 का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, जिससे कि हमारा मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद हमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बात की। उनके साथ बात करने के बाद मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है जो कि मुझे जिंदगी भर प्रेरणा देता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ की, जहां आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में सातिर चोरों ने स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान से करीब 200 किलो वजन की पीतल से बने हुए स्पेयर पार्ट्स की चोरी कर ली है। दिल्ली रोहतक मार्ग पर स्थित एक दुकान में रात के समय चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और रॉड की मदद से दुकान में लगे ताले को तोड़ दिया, शटर उखाड़ा और फिर अंदर दाखिल हो गए। दुकान मालिक को इस वारदात का पता सुबह उस वक्त चला जब वो दुकान खोलने के लिए आया, जिसके बाद दुकानदार ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन चोर पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर हैं। जी आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। गुप्ता जी, किस चीज की दुकान थी, कैसे क्या हुआ? हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए इंडस्ट्री पार्ट से ही यहाँ पर सारे मशीनरी पार्ट थे, और हमारा जो इसमें मशीनरी में लगने वाली बहुत महंगी महंगी आइटमें थी, लेकिन जो चोर आया था वो सारा ब्रास का माल लेकर गया, जो ब्रास की फिटिंग थी और जो इसमें मशीनरी और मशीनों में लगने वाले पार्ट्स थे जिसमें ब्रास लगा हुआ था वो सब निकाल करके लेकर गया। ब्रास की फिटिंग का आप देख ही रहे, सारा आपके सामने सारा सामान फैला हुआ है, तो वो टोटल जितना भी ब्रास का यहाँ पर था कुछ नहीं छोड़ा उसने। कैसे घुसे चोर अंदर, कैसे क्या? उन्होंने ताले लगे हुए, चार ताले लगे हुए थे, दो इनबिल्ट थे और दो बाहर के ताले थे, और उसमें इन्होंने सरिया डाला शटर के अंदर और आगे की तरफ उठा दिया, लगभग कोई 1.5 फुट के करीब उठा करके वो अंदर घुस गए चोर। और यहाँ पर बिना लाइट जलाए उन्होंने माचिस की तीलियों का उपयोग किया है, सारे में माचिस की तीलियाँ फैली हुई हैं और माचिस की तीलियों से रोशनी करके और सारा सामान कट्टों में भर करके ले गए हैं बाहर। निशान है खींचने तक, कट्टों के खींचने के भी निशान है सारे। अगली खबर भी हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए की मशीनें और तैयार माल जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बहादुरगढ़ के साथ साथ दिल्ली, झज्जर और रोहतक से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ के SSIIDC के सेक्टर 16 में फैक्ट्री नंबर 44 में चल रही अनेड़ा इंडस्ट्री में शाम के समय अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर केमिकल के दम होने के कारण आग पर काबू पाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। मेरी ड्यूटी रोहतक लगी हुई है प्रधानमंत्री प्रोग्राम में, और मेरे पास जैसे ही मैसेज आया मैं वहाँ से तुरंत दौड़ दिया और मैं खुद यहाँ मौके पर पहुँच के मैंने गाड़ियों को बुलाया, और हमारे तीनों स्टेशनों की एक गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी हमारी प्रधानमंत्री प्रोग्राम में लगी हुई है, और हम जल्दी ही आग पर काबू पा लेंगे। ये शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, केमिकल में आग लगी और उससे ये बहुत ज़्यादा फैल गई, एक दूसरे फैक्ट्री में फैलने का अंदेशा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहाँ शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गाँव जटपुरा के डीएम के निर्देश पर शनिवार को फूड विभाग की टीम ने अनिल फूड प्रोडक्ट की डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान विभागीय टीम ने दूध की जांच के लिए नमूने भी इकट्ठे किए। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से डेयरी में मिलावटी दूध की शिकायत मिल रही थी, ऐसे में विभाग द्वारा लिए गए सैंपल की जाँच में अगर मिलावटी दूध की पुष्टि होती है तो डेयरी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शिकारपुर तहसील में जटपुरा में एक फैक्ट्री है मैसर्स अनिल फूड प्रोडक्ट, यहाँ पर दूध का काम होता है, तो कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी, मिलावटी दूध का कारोबार हो रहा है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। काफ़ी मात्रा में दूध का उसमें से हमने 3 नमूने संग्रहित करके जाँच के लिए भेजे हैं, गंदगी पाई गई है, काफ़ी गंदगी थी, उसको एक नोटिस दे दिया गया है, अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस सस्पेंशन की
सस्पेंड कर दिया जाएगा और जाँच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हर्षदंड और जेल दोनों का प्रावधान। अगली खबर यूपी के जनपद हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 9 पर स्थित टोल प्लाजा के पास एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक बस के नीचे आ गई, जिससे गुस्साए टोल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और टोल कर्मियों पर स्थानीय लोगों से बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करा दिया। जो इनका व्यवहार है वो बिल्कुल बेकार और घटिया है। यहाँ गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर रख रखे हैं, बदतमीजी करते हैं और किसी भी किसान को यहाँ निकलने में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है किसानों के कार्ड देख के उन्हें फिर निकाला जाए। किसानों के अलावा लोकल की लोकल जो लोकल के लोग हैं, लोकल के रहने वाले हैं, यहीं के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं, उनके साथ भी उनकी भी यही शिकायत है, उनके साथ भी यही बदतमीजी चलती है। हर समय जब भी आते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता, उनसे लड़ाई झगड़े के हर टाइम नौबत रहती है इनके साथ। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।